नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, इसका असर छतरपुर जिले में देखने को मिल रहा है। बक्सवाहा क्षेत्र में पाला पड़ने पर रबी की फसलें खराब हो गई हैं। इस मामले में किसानों ने मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे बक्सवाहा के किसान अब रबी की फसल पर आस लगाकर बैठे थे। फसलों की बुआई के बाद खाद की किल्लत के चलते महंगे दामों पे खाद का क्रय किया, लेकिन अचानक घटे तापमान के साथ बक्सवाहा का पारा 2 डिग्री पहुंच गया और अरहर मसूर चने की फसलें पाले की शिकार हो गई। इसके बाद परेशान किसान बक्सवाहा मुख्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार त्रिलोक सिंह पोशाम को ज्ञापन सौंपते हुए निश्चित समय सीमा में फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है और समय सीमा में सर्वे न होने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। अभी सूखाग्रस्त घोषित हुआ था 3 महीने पहले, हमारा पूरा जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ था और अभी इसके पहले की कोई भी फसल हमारे किसानों की नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला। और अरहर की जो फसलें पाला एवं तुषार से खराब हुई हैं, उसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है समस्त बक्सवाहा क्षेत्र के किसानों ने। अगर हम लोगों का जल्द से जल्द, हम किसानों का जल्द से जल्द सर्वे नहीं किया जाता है, तो मेरी शासन एवं प्रशासन से खुली चेतावनी है कि अगर 10 दिन के अंदर हम लोगों का सर्वे नहीं किया जाता है, मुआवजा नहीं मिलता है, हम लोगों सीधी भूख हड़ताल करेंगे। बक्सवाहा के किसानों द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत कर मांग की गई है कि पाला तुषार से फसलें खराब हो गई हैं, तुरंत सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। ज्ञापन को हमने ले लिया है और ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा और अपने स्तर से धाराई पटवारियों से फसलों के सर्वे कराकर जो भी उचित मुआवजा राशि दिया जाएगा।